इतना सस्ता नहीं, वो आपकी निंद्रा है, तंद्रा है, आलस्य है, आपकी मूर्खता है। आपको शरीर के इतना प्रभाव हो चुका है कि ना आपका मन पकड़ में है, ना शरीर पकड़ में है, ना इंद्रियां पकड़ में है। जब आप कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए भी आप उसका गुणगान नहीं कर सकते, जब आप उसके नाम के ऊपर बैठ ही नहीं सकते, तो समर्पण कैसे करोगे? समर्पण तो गर्दन चढ़ा देना है उस पूर्ण पुरुष को कि अब ये गर्दन मेरी नहीं है, ये अहंकार मेरा नहीं है। हम छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के ऊपर, मैं देखता हूँ आज भी इस विषय के ऊपर चल रहा था, यहाँ आकर के भी आप गुरु के स्थान के ऊपर आकर के भी लोगों से आप भेदभाव करते हो। बहुत लोग आप लोगों के बीच बैठे हुए हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर कैसे कल्याण होगा? मैं बोल ही रहा था जी, कैसे जीवों का कल्याण? मैं तो क्या परमात्मा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब यहाँ भी आप भेद करोगे लोगों के साथ, यहाँ भी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे और आप सोचते हो कि वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर देगा और हम परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं और वो परमात्मा हमारा कल्याण कर देगा और हम तो सीधे मोक्ष के धाम में चले जाएंगे। अरे आज तक तो आप यहाँ गोविंद धाम को तक नहीं पहुँच पाए, आपके कदम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आपके विचार यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आपका मन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अरे यहाँ गुरु के स्थान के ऊपर जो ये स्थान है कि अगर हम खा रहे हैं, कोई जीव आ गया भूखा, उठाया और आधा बांट दिया, और कुछ लोगों का व्यवहार, उनकी सोच, आज के जो विचार मैं देख रहा, पढ़ रहा, हालात बहुत, तो इस स्थिति में वो जीव कैसे उठेंगे? जब छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, और वो भी उनकी नहीं है, आप लोगों की ही है, संसार की ही है, तो भी हम बांटने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, वहाँ समर्पण नहीं है। अगर हमें समर्पण और विश्वास हो जाए तो हमें ये पता है हम ये सब कुछ बांट देंगे, फिर आ जाएगा, फिर बांट देंगे, फिर आ जाएगा। जब आपकी नियत ऐसी हो जाएगी, संगत के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, तो समझना थोड़ा थोड़ा आपने कुछ सीखना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई हो सकती है आगे जा करके भजन हुआ तो। जब हम अवतार की बातें करने लगते हैं, उस पूर्ण पुरुष की बातें करने लगते हैं, मेरे तो गुरु हैं, प्रकट अवतार, अलग अलग शब्द, अलग अलग हमारे संतों ने इनका बड़ी एक एक शब्द को चुन चुन करके इनका उपयोग किया, लेकिन हम नादान उनकी वचनों और वाणी और शब्दों के ऊपर पकड़ ना होने के कारण, हम उनको समझ ना पाने के कारण, ये दूरी और नासमझी में कुछ भी बोलते जाते हैं। वो तत्व जिसके लिए आप सोचते हो चांद निकल जाएगा और बस कुछ लोग निर्जला व्रत किए हुए हैं, बड़ी हड़बड़ाहट मची हुई है कि अरे जल्दी से जल्दी हो जाए बस, फिर व्रत खोलेंगे, आज तो बड़ा मुश्किल से पूरा हुआ, पिछले वाला आराम से निकल गया था और आज तो यहाँ भी आ गए, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ, और कोई महत्व ही नहीं मान रहा कि मेरा व्रत है। आज वो प्रकट हुआ तत्व
मेरे लिए तो वो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि मैं अपने गुरु से बढ़ करके इस संसार में किसी को नहीं मानता। चाहे कोई भी हो मेरे सामने साधना काल में भी आज भी, इस संसार के अंदर बहुत सी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं और बहुत बड़ी बड़ी इतने बलशाली महापुरुष हैं, वो आपको संसार में बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी सिद्धियां, बहुत सी ताकतें, वो ताकतें जो मरे हुए इंसान को भी खड़ा कर दे, वो ताकतें सब कुछ सौंपने के लिए सब कुछ लाइन के अंदर खड़ा रहता है, वो रहता था भी कि हमारी तरफ एक बार देखो और वहाँ हम जो दे सकते हैं वो आपके गुरु नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे गुरु क्या दे सकते हैं, क्या उन्होंने हमें दिया है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं, कैसे वो लीला करते हैं, कैसे वो सिखाते हैं। एक एक दिन, एक एक पल, हर पल मैं परीक्षा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई जीव है नहीं जो उस परमपिता की या गुरु की परीक्षा को झेल पाए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु परीक्षा लेते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गुरु और परमात्मा जब परीक्षा लेने के ऊपर आएंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा जीव नहीं जो रुक सकेगा, जो परीक्षा पास कर सकेगा, झेल सकेगा। इन शरीरों के अंदर इतनी अक्षमता नहीं होती, क्योंकि गुरु और परमात्मा वो बस दया करते हैं, कृपा करते हैं। जीव को बिना खरा खोटा देखे समर्पण मात्र से सब कुछ दे देते हैं, और बिना समर्पण के कुछ भी नहीं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर मैं अपने गुरु से बड़ा तत्व किसी को नहीं मानता, चाहे वो 16 कला लेकर के आए हो, चाहे उनके पास एक भी कला ना हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे पूर्ण ना हो। बहुत लोग इसी विषय के ऊपर अटके रहते हैं, क्या कृष्ण के भजन करने से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या उनके पास कलाएँ हैं, क्या वही पूर्ण पुरुष हैं, क्या उनके मिलने के बाद कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत सवाल हैं आप लोगों के मन के अंदर। आपके क्या सब जीवों के जो जो संसार के हैं, इस प्रकार के प्रश्न दौड़ते रहते हैं, संकल्प उठते रहते हैं। दो अलग अलग काम हैं। अगर हम मात्र उस श्री कृष्ण को मान करके कि हाँ यही पूर्ण तत्व है और यही तक हमें जाना है, तो वो गोलोक तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको गुरु के रूप में भजोगे, गुरु के रूप में याद करोगे, गुरु के रूप में समर्पण करोगे और रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना करोगे, भजन के अंदर सहायता मांगोगे, फिर वो मामला दूसरा हो जाता है। क्योंकि गुरु के अंदर कलाओं की आवश्यकता नहीं रहती, गुरु के अंदर ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु को पता होता है इस जीव को कहाँ तक चढ़ाना है। तो जब आप उनको गुरु रूप में भजोगे, वो आपको उस पूर्ण तत्व तक ले करके जाएंगे और आपको आत्मा का ज्ञान कराएंगे, आपको स्वयं की अनुभूति कराएंगे। तो उनको ये नहीं कह सकते कि वो ले करके नहीं जा सकते,
वो ले करके जा सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें मांगना क्या है, करना क्या है। अगर ये नहीं मांग पाए तो फिर आपका दायरा सीमित हो जाएगा, मात्र दर्शन का लाभ होगा। बहुत लंबे समय तक आप उनके लोक में वास करोगे, एक समय के पश्चात, एक निश्चित अवधि के बाद आप फिर वापिस इस संसार के अंदर आओगे और फिर उसी गति चक्कर में चले जाओगे। साधना करोगे उठ जाओगे, बुरे कर्म करोगे फिर गिर जाओगे। तो जिसके लिए आप आज ये उपवास कर रहे हैं,